Good morning, students. Now, as we know that the whole world is suffering from the coronavirus pandemic, and for today, we have chosen an activity-based teaching, and that is on COVID-19. So what we have done, we have just gathered the information about the coronavirus cases in India, and these are some of the facts and the figures in front of you. So now, basically, what do you mean by this COVID-19? I hope all must be safe and staying at the home. सब अपना ध्यान से रहिए. जो जो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाई हुई हैं सब उस पर फोकस करें. कोई घर से बाहर ना निकले. स्टे होम एवरी वन एंड स्टे सेफ. तो सबसे पहले हम देखिए कि कोविड 19 बेटा होता क्या है. कोविड 19 इज़ बेसिकली द फुल फॉर्म ऑफ कोविड 19. आपको पता होना चाहिए आप क्या पढ़ रहे हो. सो कोविड 19 इज़ बेसिकली, तो बेटा हमें पहले कोविड 19 की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए. बेसिकली कोविड 19 हमारा होता क्या है. कोविड 19 इज़ बेसिकली द चाइना ओरिजिनेटेड वायरस इन दिसंबर 2019 में चाइना से एक वायरस ओरिजिनेट हुआ जिसको हम बोलते हैं कोरोना वायरस. अब देखते हैं, चलो इंडिया में देखते हैं क्या चल रहा है आजकल. आज के टाइम पे क्या हमारे अप्रॉक्सीमेटली देयर अराउंड 23,500 केसेस, इन विच एक्टिव केसेस आर 17,500, रिकवर्ड आर 5,300, एंड डिजीज मीन दोज हु लॉस्ट देयर लाइव्स आर अराउंड 700 पीपल. नाउ लेट्स सी सम ऑफ द स्टेट वाइज महाराष्ट्र हैविंग अराउंड 6,000 केसेस, गुजरात हैविंग 2,500 केसेस, देन दिल्ली 2,300 केसेस, राजस्थान 2,000 केसेस, बिहार एंड यूपी कॉम्बिनेशन यू कैन से 2,000 केसेस, इन हरियाणा वेयर यू आर लिविंग ऑल दैट राइट नाउ हैविंग अराउंड 200 केसेस. सो इन टोटल वी आर हैविंग द 15,000 केसेस फ्रॉम दीज फ्यू स्टेट्स, एंड इन टोटल देयर आर 23,500 केसेस. सो वी विल ट्राई टू मर्ज दीज फैक्ट्स एंड फिगर्स इन टू आर स्टडी into our activity. As we know that the chapter that we have covered is integers, so let's do the integers by these facts and the figures. The question is, how many cases are more in Maharashtra than Gujarat and Delhi together have. देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी केसेज आर मोर इन महाराष्ट्र देन गुजरात एंड डेली टुगेदर हैव. ये हमारे एक इंटीजर का क्वेश्चन बनता है. यहाँ से इंटीजर में बेसिकली हमें पता होना चाहिए क्या होता है हमारे इंटीजर्स, जो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने रियल नंबर लाइन पे, दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. और इंटीजर्स में हमने क्या पढ़ा था, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स. तो अब हम देखते हैं यहाँ पर द क्वेश्चन इज हाउ मेनी केसेस आर मोर इन महाराष्ट्र दैट आर इंटीजर्स. हाउ मेनी केसेस आर मोर इन महाराष्ट्र देन गुजरात एंड दिल्ली टुगेदर हैव. सो महाराष्ट्र टोटल केसेस that is 6,000, Gujarat that is 2,500, and Delhi that is 2,300 cases. Now how many cases are more in Maharashtra than Gujarat and Delhi together have. Now Maharashtra is having 6,000 cases and Gujarat plus Delhi that is 2,500 plus 2,300 that is 4,800 total cases.
Now, how many cases are more in Maharashtra than Gujarat and Delhi together? So number of cases will be, we will subtract from the total cases in the Maharashtra, subtraction Gujarat and Delhi together. So 6000 minus 4800, that comes out to be 1200 cases. 1200 cases अभी भी महाराष्ट्र में हमारे ज़्यादा हैं अगर हम गुजरात और दिल्ली का कंपैरिजन कर देते हैं तो. तो बेटा हमारा जैसे क्या आंसर देखा हमने 1200 केसेस. एंड नाउ सी द सेकंड क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन किस तरह बन सकता है हमारा. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ केसेस इन महाराष्ट्र एंड थ्री टाइम्स ऑफ राजस्थान. अगेन दिस इज अ क्वेश्चन दैट comes under the category of integers. So number of cases in Maharashtra, as we already discussed, that is 6000 cases. Rajasthan, other state is given here, Rajasthan here it is 2000 cases. The question is, what is the difference between difference between means we have to subtract, and we have already done the subtraction of integers as well. So what is the difference between number of cases in Maharashtra and three times of Rajasthan? And three times of Rajasthan, so Maharashtra means 6000, difference means subtraction, and three times of Rajasthan, three times means 3 multiply 2000, that is 6000 minus 2000 multiply 3 will comes out to be 6000, and answer will be 0. So what is the difference between the number of cases in Maharashtra and 3 times of Rajasthan? That is 0. So we have done 2 questions on this activity on COVID-19. So I'm giving you the homework. You have to make 2 more questions of yourself. How 2 more questions you can make on this chapter integers, and you have to send me the pictures as well with the solutions so that we can have the activity on this COVID-19. And as you all know that our chapter, that is congruence of triangles, is going on, and we have done the introduction as well as the first exercise. So keep revising that from Monday, or on Monday we will start the second exercise of congruence of triangles. As you know that the triangles can be congruent by the 4 criteria, that is SSS, SAS, ASA and RHS. So you have to go through again, do the solved examples, read the introduction and go through the first exercise. So this is the stats in front of you. What you have to do, you have to make 2 more questions yourself, and you have to send me the pictures and the photographs of these 2 questions with the solutions. So students, stay safe, stay healthy, eat healthy food. And drink a lot of water, as you know that not cold, normal water, as you know that summers are also approaching. So apna dhyan rakhiye sab, acche se rahiye. Okay, so God bless you all. Thank you.